हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोनिकास DIY। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं गर्मियों में यूज़ होने वाली पानी की बॉटल्स को कैसे साफ़ करती हूँ। आप चाहें तो आप भी इस तरीके से बॉटल्स को साफ़ कर सकते हैं, चाहे वो बॉटल्स प्लास्टिक की हो चाहे फिर कांच की हो। किसी भी तरह की बोतल को आप इसी तरीके से साफ़ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गर्मियों में पानी की बोतलों का काफ़ी इस्तेमाल होता है। अक्सर हर घर में 5 से 6 बोतलें तो होती हैं जिन्हें हम फ्रिज में रखते हैं, और अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी भी वाटर बोतल होती है, और बोतल अंदर और बाहर से काफ़ी मैली हो जाती हैं। आप देख सकते हैं कि बोतल के मुंह के पास कैसे मैल जमा है, और अक्सर बोतलें तंग मुंह वाली होती हैं और इनको साफ़ करना मुश्किल होता है। और इसी तरह से इनके ढक्कन के अंदर भी इस तरह से लाइनें बनी होती हैं तो उसमें भी मैल जमा होने लगती है। और अक्सर हम बोतल को कैसे साफ़ करते हैं, बोतल के अंदर थोड़ा सा पानी डालते हैं, उसको हिलाते हैं और पानी गिरा देते हैं और बोतल को साफ़ समझते हैं, लेकिन बोतल साफ़ नहीं होती। तो आप ये बोतल को भी देख सकते हैं कि कैसे इसके बोतल के मुंह के पास सफ़ेद सफ़ेद निशान है, और अगर डिज़ाइन वाली बोतल है तो उसके बाहर भी मैल जमा होने के चांसेस होते हैं। और पानी की बोतलों को हम गर्म पानी से भी नहीं धो सकते। गर्म पानी से बोतल साफ़ करने से बोतल ख़राब हो जाती है, उसकी शेप ख़राब हो जाती है। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बोतल को साफ़ करने का सबसे पुराना, सही और आसान तरीका, जो आप लोगों ने अपने घरों में देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों के घरों में अभी भी यूज़ होता होगा। YouTube पर मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं जिनमें लोगों ने अलग अलग तरीके बताए हैं बोतल साफ़ करने के, लेकिन मुझे ये प्रैक्टिकली सही नहीं लगते। तो बोतल के अंदर थोड़ा सा लिक्विड डिशवाश डालेंगे। कई लोग बोतल को साफ़ करने के लिए चावल यूज़ कर रहे हैं, कई पत्थर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो वो सही तरीका नहीं है। और फिर हम इसमें बोतल में थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। और फिर हम इस तरीके का एक ब्रश जो मार्केट में इजीली मिल जाता है, और ये 25-30 रुपए में मिल जाता है, बहुत सारे लोगों के घरों में अभी भी ये ब्रश होगा, या फिर आप लोगों ने अपने पुराने टाइम में देखा होगा इस ब्रश को। तो इस तरह का ब्रश सबसे सही तरीका है बोतल साफ करने का। ये जितनी मर्जी तंग मुंह वाली बोतल हो उसके अंदर चला जाता है। तो इस तरह से ब्रश डालकर हम बोतल को घुमाते हुए सारी तरफ से अच्छे से साफ कर लेंगे। तो इस ब्रश से आप प्लास्टिक की बोतल हो, चाहे बच्चों की दूध वाली बोतल हो, या फिर कांच की बोतल हो, कोई भी तरह की बोतल हो, इस ब्रश से आप साफ कर सकते हैं। प्रैक्टिकली यही तरीका सबसे बेस्ट तरीका है बोतल साफ करने का। और इसी तरह से हम दूसरी बोतल को भी साफ करेंगे, और फिर मैं इसका मुंह को हम कैसे साफ करेंगे और ढक्कन को कैसे साफ करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह का ब्रश जरूर होना चाहिए घर में, क्योंकि घर में काफी सारी पानी की बोतलें होती हैं। और ये ब्रश आपको लोकल मार्केट में इजीली 25-30 रुपए में मिल जाता है। बोतल के अंदर से तो मैंने ब्रश से साफ कर लिया है, अब बोतल को बाहर से साफ करने की बारी है। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा लिक्विड डिशवाश लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स किया है, और फिर आप अपने घर में बर्तन साफ करने के लिए स्कॉच ब्राइट या स्पॉन्ज जो भी यूज करते हैं उससे बोतल को बाहर से साफ करेंगे। और फिर कोई पुराना टूथब्रश लेकर हम बोतल के मुंह के पास अच्छे से साफ करेंगे। तो इस तरह ब्रश से साफ करने से काम आसान हो जाता है, गंदगी पूरी आसानी से निकल जाती है। और इसी तरह से अगर बोतल के बाहर डिजाइन बना है तो आप ब्रश से ही उसे भी साफ कर सकते हैं। टूथब्रश से बहुत ही आसान हो जाता है साफ करना।
बहुत से लोगों के घरों में मैंने देखा है कि पानी तो वो आरओ का यूज़ करते हैं, लेकिन पानी की बोतलें बहुत ही गंदी होती हैं। तो ऐसे आरओ के पानी का भी कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आपकी पानी की बोतलें ही गंदी हों। और अब ढक्कन को भी ब्रश से ही साफ़ करेंगे। तो ब्रश से ढक्कन बहुत अच्छे से साफ़ होता है, बल्कि साफ़ ही ब्रश से होता है। तो इस तरह से अंदर लाइनों में जो भी मैल होगी वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। आप अपने घर में पानी की बोतलें कैसे साफ करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो अभी मैंने दोनों बोतलों को अच्छे से साफ कर लिया है, तो अभी हम इन बोतलों को धो लेंगे। और अगर बोतल के नीचे भी मैल लगी है तो वहाँ से भी ज़रूर साफ़ करें, क्योंकि अक्सर हम बोतल को कभी फर्श पर रख देते हैं, कभी शेल्फ पर रख देते हैं, तो बोतल के नीचे से भी काफ़ी मैली हो जाती है। और अब हम बोतल में थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर इसका ढक्कन लगाकर हम बोतल को अच्छे से शेक करेंगे। तो अब हम पानी से इनको धो लेंगे। बहुत से लोग पानी की बोतलों को बहुत ही कम साफ करते हैं, लेकिन हमें इन बोतलों को साफ करते रहना चाहिए। दोनों बोतलें बहुत अच्छे से साफ हो चुकी हैं, इनको धोने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। पानी की बोतलें अंदर से और बाहर से बहुत ही अच्छे से साफ हो चुकी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। बोतल साफ़ करने का ये सबसे पुराना और सही और आसान तरीका आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आप तक मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी।